तो मैंने मेरे पापा को बताया मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है उन्होंने बोला कि तेरे से अभी ये टेंथ स्टैंडर्ड की एग्जाम तो क्लियर होने वाली है नहीं तू तो एवरेस्ट की बड़ी बड़ी बातें मत कर इन दिस पॉडकास्ट वी हैव अ गेस्ट पार्थ उपाध्याय हु क्लाइम्ब माउंट एवरेस्ट इन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन एंड को फाउंडर ऑफ फीनिक्स एक्सपीरियंस पढ़ाई नौकरी छोकरी बच्चे और बुढ़ापा इससे बढ़कर भी इंसान कुछ करने के लिए बना है जो पैसे चाहिए तीस से पैंतीस लाख रूपए वो कहा से लाओगे जो महाराष्ट्र के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उस टाइम के गूगल कर लेना कौन था वो उनको जब मैं पैसे मांगने गया था तो उनको मैंने बोला की मैं एवरेस्ट क्लाइम करने जाने वाला हूँ तो उन्होंने पहला सवाल क्या था पता है कहाँ पे एवरेस्ट इ, इ, इंडिया में ही है ना एवरेस्ट इस, ये ओके चलो चलो मतलब अगर ये कोई रैंडम आदमी हो उसको ना पता हो चलो ठीक है आप समझ सकते हो अरे स्पोर्ट्स मिनिस्टर महाराष्ट्र का उसको नहीं पता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है बिकॉज जितनी मेहनत मैंने की थी एवरेस्ट करने के लिए किसी विराट कोहली या सचिन से कम मेहनत नहीं की थी बिकॉज दे आर इन क्रिकेट दे आर समवेयर एंड बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड आई एम समवेयर एल्स इंडियंस आर द मोस्ट इनरेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट इंडियंस आर द मोस्ट

तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है उम्मीद है आप सबके दिन अच्छा रहा होगा तो सबसे पहले अपने गेस्ट से चाहूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ओहो हो ये तो दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने मैं कौन हूँ इसी की खोज चल रही है जिंदगी में कि मैं कौन हूँ मैं करता क्या हूँ ये बोल सकता हूँ जरूर मैं पहाड़ चढ़ता हूँ बचपन से ये बचपन खत्म होने के बाद ये शौक लगा मुझे पहाड़ चढ़ने का एंड तब से पंद्रह साल की उम्र से पहाड़ चढ़ते चढ़ते मुझे दुनिया की बहुत खूबसूरत जगहों पे जाने का मौका मिला इस दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 2019 में आ, वहाँ पे जाने का मौका मिला और और बहुत सारे पीक्स क्लाइम किए हैं जिनके नाम लोगों को पता नहीं हो तो मैं नाम से बोर नहीं करूँगा लेकिन उसके अलावा मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ और लोगों को कोच करता हूँ पहाड़ क्लाइम करने के लिए एंड बढ़िया है और खोज कर रहा हूँ मैं कौन हूँ <laughs> <laughs> तो बिफोर वी डेल्विंग टू द इन डेप्थ डिस्कशन अबाउट माउंटेनियरिंग और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में फर्स्ट आई वो कि आई वन नो अबाउट द बिगनिंग कि वट वॉज द फर्स्ट थॉट कि उसके बाद से सडनली आपकी लाइफ में एकदम से ट्रांजिशन है अबाउट कि आपको पहाड़ चढ़ने वो पहला ख्याल क्या था और वो कहानी मुझे जानने की वो वट वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुआ यार मैं ना बचपन से ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा था ना ही पढ़ाई में अच्छा था किसी चीज में अच्छा था नहीं मैं तो जहां भी जाओ जो भी करूँ उसमें बस अच्छा ना करने के वजह से सबको डिसअपॉइंट करता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं अच्छा किस में हूं या ऐसा हो गया था एक टाइम आया था कि मैंने ये अपने आप को कह दिया था कि मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं बट जब मैं पंद्रह साल का था एज अ कम्प्लीट लॉस्ट इंट्रोवर्ट दुनिया से मारा पीटा हुआ किड मैंने एक न्यूज़ कवरेज देखी जिसपे एक सोलह साल के भारतीय ने एवरेस्ट फतेह किया था एट एज ऑफ़ सिक्सटीन एंड वो न्यूज़ कवरेज देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मेरे उम्र का ही लड़का है मुझे तो सब कह रहे पढ़ाई करो वो भी नहीं हो रही है एक चीज करने को बोल रहे वो ही नहीं हो रहा है लेकिन ये लड़का देखो एवरेस्ट चढ़ रहा है एवरेस्ट जस्ट थोड़ा सा मालूम था कहीं पढ़ा था एवरेस्ट मतलब दुनिया की सबसे ऊंची छोटी उससे ज्यादा तो मुझे उसके बारे में कुछ पता था ही नहीं वो जिस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस एक्सप्लेन कर रहा था उस न्यूज कवरेज में वो देख के मुझे लगा यार मुझे भी ट्रैकिंग करना है तो मैंने मेरे पापा को बताया कि पापा मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है तो उन्होंने बोला कि तेरे से अभी ये टेंथ स्टैंडर्ड की एग्जाम तो क्लियर होने वाली है नहीं तू तो एवरेस्ट की बड़ी बड़ी बातें मत कर लेकिन उन्होंने देखा ये जब उन्होंने कहा मेरा मूड थोड़ा फिर खराब हो गया उन्होंने कहा ठीक है छुट्टियां चल रही है मेरे कुछ दोस्त सयादरी में महाराष्ट्र के पहाड़ों में ट्रैक्स लेके जाते आप जाओ उनके साथ देखो अपकमिंग वीकेंड पे तीस स्ट्रेंजर्स अनजान लोगों के साथ और ये मैं ये क्यों अनजान लोग बोल रहा हूं क्योंकि मैं एकदम इंट्रोवर्ट था और हूं। मुझे लोगों से बात करनी पसंद नहीं थी ना ही है मैं लोगों के बीच में आता हूं तो मुझे डर सा लगता है तभी तो नेक्स्ट लेवल का था अब तो चलो मैं थोड़ा और थोड़ा ठीक हो गया हूँ लेकिन तभी मेरे लिए तीस अलग लोगों के साथ अनजान लोगों के साथ जाना ये बहुत बड़ी चीज थी लेकिन जब मैं उस गांव में उतरा जहां से ये ट्रैक स्टार्ट होने वाली थी पहाड़ों के बीच में यार मैं एक सच बात बताऊ तो ना पहली बार ऐसा लगा घर वापसी हुई है घर आया वापस पंद्रह साल की उम्र में पहली बार घर महसूस हुआ पहाड़ों में आकर एंड एक मुरझाया हुआ इंट्रोवर्ट किट सडनली बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट सबसे बात कर पा रहा था सबसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था हाथ मिला रहा था एंड उस पहाड़ के टॉप से मैंने सनराइज होते हुए देखी एंड जस्ट एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि अगर सनराइज इस छोटी सी पहाड़ी से इतनी खूबसूरत है तो इस दुनिया के सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है वहां से कैसी होगी नीचे उतर रहा था तब अपने आप को एक चीज प्रॉमिस की चाहे कुछ भी हो जाए इस लाइफ टाइम में एवरेस्ट क्लाइम करना है और वो सनराइज देखना है पहली बार जिंदगी में मेरे अंदर से कुछ आवाज आई कि मुझे ये करना है इसके पहले दुनिया की आवाज के वजह से मैं यहाँ वहां जा रहा था दुनिया कह रही थी पढ़ाई करो पढ़ाई कर रहा था किसी ने कहा ड्राइंग क्लास में जाओ ड्राइंग क्लास में गया तो टीचर बोलती है तेरे से तो भाई स्केल से भी सीधी लाइन नहीं होती है तो ऐसी हालत थी लेकिन पहली बार मेरे अंदर से आया कि पहाड़ बुला रहा है एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट यार वहीं से फिर इस पागलपन की शुरुआत हुई मैं कह सकता हूँ <laughs> तो आई वो कि

पर्सनैलिटी के अलावा और क्या चेंज आते हैं वेरी गुड क्वेश्चन एंड ये बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन है कि पहाड़ों ने कैसे चेंज किया मुझे मैं चाहूँ तो पूरा पॉडकास्ट इस पे एक घंटा बोल सकता हूँ जवाब कि कितने चेंजेस आए हैं मुझ में एंड चेंजेस आ रहे हैं अभी जस्ट मैं दो घंटे पहले एक ट्रैक से आया और मैं जब वहां से वापस आ रहा था गाड़ी में तब बस यही सोच रहा था आज क्या सीखा और रोज जब भी पहाड़ों में जाओ कुछ नया सीखने मिलता है लेकिन जब जब, जब नया इंट्रोड्यूस हुआ पहाड़ मेरी लाइफ में तभी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए पहले तो ये एक समझ बढ़ी कि पढ़ाई नौकरी छोकरी बच्चे और बुढ़ापा रिटायरमेंट इससे बढ़कर भी इंसान कुछ करने के लिए बना है ठीक है शादी करने में कोई गलत चीज नहीं है अच्छा अच्छी नौकरी होने में पैसे कमाने में कोई गलत चीज नहीं है लेकिन उससे ऊपर भी एक चीज है जहां पे आदमी उठ सकता है देर इज समथिंग बियॉन्ड तो ये एक समझ में आया वो बियॉन्ड अभी भी ढूंढ रहा हूं मैं तो ऊपर 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 कहां तक जा सकते हैं वो देख रहा हूं मैं दूसरी दूसरी चीज एज ए कम्प्लीट इंट्रोवर्ट मैं किसी से बात नहीं कर पाता था मैं नजरें झुकाए दुनिया में चलता था जब पहाड़ मेरी लाइफ में आया जब अंदर से आवाज आई कि ओके मेरी दिशा इस जिंदगी में पहाड़ क्लाइम करना है और मैं एक बात बताओ किसी भी इंसान के दिल से जब कोई आवाज निकलती है ना कि मेरा मकसद ये है मेरा डायरेक्शन ये है मेरा रास्ता यह है तो वो आदमी अचानक से अलग ही हो जाता है मतलब इफ यू मीट अ पर्सन लाइक दैट हु इज ड्रिवन जिसको एक दिशा है उसकी तरफ चला हुआ है उसके आसपास रहने में अच्छा लगता है आपको क्योंकि okay, ये बंदा है अलग थोड़ा हटके बाकी सब लोग कच्चरों की तरह चले जा रहे हैं लेकिन ये है जो कुछ अलग आया है अंदर से और कुछ वो सुन के अलग दिशा में जा रहा है तो मैंने ये बदलाव देखा कि मेरे आसपास जो लोग आते थे दे उस टेल मी सडनली कि अरे तुम बहुत चेंज हो गए हो ऐसा क्या कर रहे हो तो मैं बोलता था कि ट्रैकिंग कर रहा हूँ तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं अच्छा है हमें तो लगता था कि तू तो कुछ नहीं करेगा कुछ तो कर रहा है तो दुनिया को दिख जाता है जब आप अपने रास्ते पे हो सही गलत रास्ता नहीं हर किसी का रास्ता अलग होता है और वो उसके लिए सही है डिसिप्लिन जैसे रोज सुबह पांच या छह बजे उठ जाना पहाड़ क्लाइम करने के लिए स्ट्रांग होना है जिंदगी में कभी मैं डिसिप्लिन था नहीं किसी चीज के लिए है ना स्कूल के टाइम में अगर सात बजे उठना होता है तो माँ लात मार मार के साढ़े सात तक मुझे उठा नहीं पाती थी ऐसा लड़का रोज सुबह अकेला बिना किसी अलाम, बिना किसी किसी एक, एक आई कि यार हर कोई डिसिप्लिन है कोई लेजी नहीं है बस उसको वो चीज नहीं मिली है जिसके वजह से वो डिसिप्लिन हो <laughs> समझ रहे हो आप आप किसी मछली को बोलो कि उड़ के दिखाओ तो कैसे उड़के दिखाएगी लेकिन आप अगर उस मछली को मालूम पड़ा कि मैं तैरने के लिए पैदा हुई हूं हु। उसको बोलो तैरो वो तैरके दिखाएगी आपको है ना तो मोस्ट पीपल थिंक दैट दे आर लेजी बट दे आर नॉट लेजी देव जस्ट नॉट फाउंड वॉट दे वॉन्ट टू डू इन देर लाइफ तो ये एक चीज मैंने सीखी कि जब आप ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको अच्छी लगती है जो आपके दिल से आ रही है तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है मेरा मैं डंके की चोट पे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ लेकिन लोगों का सर्कमस्टेंसेज ऐसे नहीं होते कि वो फॉलो कर पाए अपने सपनों को तो मेरे भी सकम्स्टेंसेज कुछ ठीक नहीं थे लेकिन दो तरह के लोग होते हैं ना एक होते हैं कि मैं मेरा सपना नहीं जी पाया क्योंकि ये क्योंकि वो क्योंकि सपोर्ट नहीं था क्योंकि पैसा नहीं था ये वो एक्सक्यूज़ेस दूसरे तरह के लोग होते हैं विनर्स चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए रास्ता निकालेंगे वो प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे वो सो so, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी बट मेन चीज यही है अगर मैं इस चीज को पूरा एक लाइन में कह दू कि अपने दिल से आवाज को उठने दो उसको सुनो और उस पर काम करना लग जाओ एक्शन लेने दिल से आवाज आई अरे मुझे 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 स्पेस जाना है चांद पे जाना है फिर क्या किया आपने नेक्स्ट डे वही टिकटॉक कर रहे हो इंस्टाग्राम स्क्रोल कर रहे हो तो ऐसे नहीं होगा एक्शन लेने हैं उसकी तरफ ना तो यही है भाई ले जा रहे एक्शन देखते कहाँ तक जाता है तो सबसे मतलब आई वॉन्ट नो अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट कि जब आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर रहे थे मुझे उस कहानी उस जर्नी के बारे में जानना फ्रॉम स्टार्ट टू एंड शुरुआत से लेकर अंत तक मैं चाह मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं बिल्कुल बिल्कुल और आ, हिंदी में ही जवाब दो कि हिंदी इंग्लिश मिक्स आपको ठीक रहेगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो मैं कंफर्टेबल इंग्लिश हिंदी मिक्स ठीक है तो जैसे 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी ये जो मैंने पहला ट्रैक किया था वो 2010 में था मैं पंद्रह साल का था उसके बाद मैंने ट्रैक्स कंटिन्यू रखे महाराष्ट्र में और उस उसी दौरान आई स्टार्टेड मीटिंग ऑफ द फील्ड जो ये ऑलरेडी करते आ रहे थे तो उनको मैंने अपना सपना शेयर किया तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि पार्थ अगर तुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है तो तुझे क्लाइंबिंग सीखनी पड़ेगी तो ही सपना लेके तू यहाँ वहाँ घूम रहा है उसे कुछ नहीं होता लोगों के बहुत सपने हैं बहुत कुछ करना है लोगों को लेकिन सही तरीके से उसकी तरफ जाना इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए सही लोग चाहिए सही एडवाइस चाहिए और मुझे ऐसे सही समय पे सही लोग मिले उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया में बेसिक और एडवांस ये दो माउंटेनियरिंग कोर्सेस होते हैं लिटरली इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है तो मैंने बोला बढ़िया है जी लेकिन साथ ही साथ में इंजीनियरिंग चल रही थी और 28 दिन का कोर्स इतनी छुट्टी मिलना तो मुश्किल है घर वाले तो पहले ही बेघर कर देते कि भाई 28 दिन के लिए पहाड़ चढ़ने जाना है निकल ही जाओ आना मत वन वे टिकट बुक कर पहाड़ों में ही रहियो तो <laughs> तो ऐसे तो ये इंजीनियरिंग के टाइम पे मुझे मौका नहीं मिला चार साल जैसे तैसे निपटाया इंजीनियरिंग को लेकिन उसके तुरंत बाद बेसिक कोर्स के लिए 2015 में पांच साल बाद ये जर्नी की शुरुआत के पांच साल बाद मैं फाइनली बेसिक कोर्स करने गया एंड वहां पे पहाड़ चढ़ने के जो भी स्किल्स होते हैं जैसे रॉक क्लाइंबिंग आइस क्लाइंबिंग स्नो क्लाइंबिंग ग्लेशियर्स पे कैसे वॉक करते हैं रेस्क्यू कैसे कंडक्ट करते हैं मौसम को कैसे पढ़ते हैं नेविगेशन कैसे करते हैं ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमको वहाँ सिखाई जाती है एंड वो अट्ठाईस दिन के कोर्स के बाद मुझे लगा अब तो यार ये मेरा अब तो मेरे हाथ में हथियार दे दिए अब दे दनादन गोली मार के चलो आगे। <laughs> तो, तो वही अभी पहाड़ चढ़ने की इच्छा थी अब तो मुझे सिखा दिया था कैसे चढ़ते पहाड़ तो बहुत सारे पहाड़ है हमारे इंडियन हिमालयाज में हिमाचल में लद्दाख में कश्मीर में सिक्किम में उत्तराखंड में तो पहाड़ के बाद पहाड, पहाड़ के बाद, पहाड, पहाड़ के बाद पहाड़ के बाद, पहाड़ के बाद पहाड़ क्लाइम करता गया एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बिकॉज अगर आपको ए बी सी डी सिखा दिया लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस ना करो तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं पैराग्राफ्स कैसे बनाते हैं किताब कैसे लिखते हैं वो नहीं सीख पाओगे आप ये चीज होती प्रैक्टिस से तो ये पहाड़ जो इतने सारे मैंने अराउंड बीस पहाड़ जो छह हजार मीटर के ऊपर के हाइट पे है वो क्लाइम किए थे मैंने एवरेस्ट के पहले तो इससे मुझे जो मेरे स्किल्स थे उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे किया जाता है ये सीखा मैंने तो आई थिंक ये एक बहुत ही जरूरी पहलू था माउंटेनियरिंग के लिए मेरे लिए और लाइफ के लिए भी लोगों के लिए अगर आप इसको लाइफ से कनेक्ट करना चाहते हो कि सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज सिर्फ किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के अगर आपको लगता है कि आपने जिंदगी के सारे राज जान लिए तो आप गलत हो जब तक उन थियोरी को अप्लाई नहीं करते अपना खुद का सच नहीं जानते तब तक आपने कुछ सीखा नहीं है तो वो जो पीक क्लाइम किए उनसे मैंने ये सारी चीजें सीखी कि अगर मौसम खराब हो एक्चुअल में पहाड़ों में तो क्या करते हैं किसी की तबीयत खराब हो तो क्या करते हैं खुद की तबियत खराब हो तो क्या करते हैं बहुत बहुत बार तो नहीं एक दो बार ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए जिसमें मेरे सामने मेरे बहुत खास दोस्तों की पहाड़ों में एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई तो ये बहुत ही बड़ा आ, धक्का लगा था वहां पे मुझे और यू you नो know, एक कहावत है व्हाट डजन किल यू मेक्स यू स्ट्रोंगर जो आपको नहीं मारता है एक ही चॉइस है यू ओनली बिकम स्ट्रॉगर फ्रॉम दैट सो ऐसे एक्सपीरियंस के बाद आई अ वेरी सॉलिड माउंटेयर यू नो इसके बाद 2019 में मैंने ठाना कि एवरेस्ट क्लाइम करने जाएंगे और आ, पैसा रेज करना इस अभियान के लिए एवरेस्ट के लिए एवरेस्ट क्लाइम करने से भी ज्यादा मुश्किल चैलेंज था मेरे लिए बिकॉज पहाड़ कैसे क्लाइम करते हैं ये तो सिखाया गया था लेकिन एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए जो पैसे चाहिए तीस से पैंतीस लाख रुपए थर्टी थर्टी फाइव लाख रुपीस, वो कहाँ से लाओगे ये तो किसी ने नहीं सिखाया था ये तो किसी ने नहीं बताया था ना ही कोर्स में ना ही कहीं भी तो ये अलग ही चैलेंज थी डेढ़ सौ कंपनी से मीटिंग करने के बाद जीरो सपोर्ट हर जगह से ना 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 रिजेक्शन 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 करे क्या आदमी बाईस साल का था तभी माँ बाप ने बोल दिया था कि भाई तेरे इंजीनियरिंग में तो बहुत पैसे डाल दिए अब तुझे वो छोड़ के पहाड़ चढ़ने हैं तो चढ़ो हमारी तरफ से कुछ ज्यादा रखना मैंने बोला ठीक है ट्राई किया मैंने लोगों से बात करना कहीं से कोई सपोर्ट नहीं ऐसे टाइम पे यू नो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट लोग गिवअप कर देंगे जब डेढ़ सौ लोग एक दो नहीं डेढ़ सौ दुनिया के टॉप लोग आपको जब मुंह पे ना बोलते हैं फिर भी नेक्स्ट डे एक सौ भी मीटिंग में जाने की अगर है ताकत वो नाइनटी नाइन परसेंट लोगों में नहीं होती है गिव अप कर देते हैं एक्सक्यूजेस देते हैं बहाने देते हैं लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा मैं बहाना देने वाले में से नहीं हूं नहीं हो रहा है कोई बात नहीं रास्ता निकालेंगे कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा यार कितने कितने लोगों ने किया है मैं क्यों नहीं कर सकता हूं ये एक माइंड था तो फिर दूसरा रास्ता अपनाया क्राउड फंडिंग किया लोगों से एकदम आम भाषा में अगर बताओ क्राउड फंडिंग क्या चंदा इकट्ठा किया लोगों से पैसा मांगा कि भाई जितना दे सकते हो दो किसी ने पचास रुपए दिए तो किसी ने पांच लाख रुपए तक दिए तो जब मैंने क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया तब एक्चुअली मैंने देखा कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सपोर्ट करने लायक है तो जब लोगों का सपोर्ट मिलने लगा मुझे देन इट वॉज नॉट अबाउट मनी एनी मोर अगर कोई आपको पांच रुपया भी देता है तो उस बंदे ने कुछ सोच समझ के दिया आपको अच्छी दुआए अच्छे थॉट दिया आपको और वो ब्लेसिंग्स जो मिली मुझे कि पैसों के थ्रू वो मैं मेरे जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल चीज मानता हूँ जब लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं ना आपको वो आप खरीद नहीं सकते हो है ना <laughs> तो पैसा रेज करने में दो साल लग गए मुझे क्राउड फंडिंग से फिर खुद से लोन्स लिए फिर घर वालों ने भी सपोर्ट किया एंड फिर मैं भी काम कर रहा था ट्रैक्स लीड कर रहा था यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठा करके जैसे तैसे 2019 के लिए तैयार हो गए पैसा आ गया फिजिकली अपने आप को तैयार किया कठोर ट्रेनिंग करके दिन के छः सात घंटे कभी पहाड़ों में भाग रहे हो कभी जिम में जा रहे हो कभी तीस किलो का बैग उठा के पहाड़ चढ़ रहे हो ऐसी अलग 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 ट्रेनिंग करके डेढ़ साल लगा मुझे फिजिकली फिट होने में एवरेस्ट के लिए एंड 2019 में फिर मैं गया एवरेस्ट और आ, एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट क्लाइम किया जाता है दो तरफ से एक नेपाल साइड से जहाँ से मैक्सिमम लोग क्लाइम करते हैं 95 परसेंट लोग नेपाल साइड से क्लाइम करते है. पांच परसेंट लोग टिबेट से क्लाइम करते हैं जो अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है उस कंट्री को <laughs> तो, तो मैंने टिबेट से क्लाइम करना चूज किया क्योंकि मुश्किल है तो करना है तो अच्छे से करेंगे कीड़ा तो था बहुत बड़ा कीड़ा था <laughs> तो हम टिबेट साइड से गए वहां पे हमारी आठ लोगों की टीम थी और करीबन पैतालीस दिन हमको लग गए एवरेस्ट के चोटी पे पहुंचने को रास्ते में काफी दिक्कतें आई अच्छे मूवमेंट्स आए बैड मोमेंट्स आए लेकिन माउंटेनरिंग यही एक चीज सिखाता है कि अच्छे मूवमेंट्स में खुश नहीं होना है और खराब मोमेंट्स में दुखी या निराश या गिवअप नहीं करना है है ना एक कदम के आगे एक कदम रखते रहो तुम अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे तो एक कदम के आगे एक कदम रखते हुए ट्वेंटी थर्ड मे टू थाउजेंड नाइनटीन सुबह पांच बजे इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पैर रखा एज्वेंटी फोर ईयर ओल्ड इंडियन और जब तिरंगा लहराया वहां पे तब पहली बार ऐसा लगा कि एज अ इंडियन मैंने इस देश को वापस कुछ दिया पहली बार जिस मिट्टी का खाना खाया मैंने चौबीस साल जिस देश के संस्कारों ने मुझे कुछ बनाया उस देश को पहली बार अपने एक तरीके से मैंने कुछ इस स्पोर्ट में करके दिखाया कि एक 24 साल का बच्चा जो कि इंडियन है अगर वो इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है यार फिर <laughs> आई जस्ट वन से यू आर वेरी गुड मोटिवेशनल बिल्कुल यार मैं तो बस दिल से बात करता हूँ यार और वो लोगों के दिल तक पहुँच जाता है यार मैं सोचता नहीं हूँ है ना एंड यही जो बाकी के मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो मोटिवेट करने के लिए बात करते हैं मैं तो अपनी दिल की बात शेयर कर रहा हूँ एकदम सच्चाई के साथ तो जब दिल से बोलता है तब तो दिल तक पहुँचता है <laughs> ओके तो आई जस्ट वाना नो वन मोर थिंग जैसे आपने माउंट एवरेस्ट की बात की कि आपको 30 से 35 लाख रुपीस लग गए तो मुझे जानना है कि इन रिटर्न कि व्हाट डू यू गेट फ्रॉम गवर्नमेंट सरकार से आपको क्या मिला मतलब कोई कंपनसेशन uh, या कुछ मतलब एक एक्नॉलेजमेंट uh, के तौर पे मतलब कुछ आपको सरकार से मिले <laughs> मैं मैं ये सोच रहा हूं कि How much should I say about this? Because ये सवाल ऐसा है कि मैं अगर दिल से honest जवाब दूँ तो बहुत दुश्मन खड़े हो जाएंगे। But एकदम short में अगर मैं बताऊँ, the government or the corporate world or the public only cares about in India cricket and Bollywood। उसके अलावा कोई भी sports है। Olympics में अगर gold medal जीता, नीरज चोपड़ा बने तो एक आधा नाम ऊपर उठ के आता है बाकी और स्पोर्ट्स में किसी को कोई पड़ी नहीं है तुम हॉकी हौक, खेलो फुटबॉल खेलो खेलो जो भी स्पोर्ट है क्रिकेट अच्छा लगता है और बॉलीवुड स्टार्स को हम वर्शिप करते हैं इसके अलावा हमारे देश में और कोई कल्चर नहीं है वेरी अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन टर्म्स ऑफ माउंटेनियरिंग में अगर बात करूं मैं जब महाराष्ट्र के मैं ना ये बातें करके दुश्मन खड़े करने वाला हूं आज जो महाराष्ट्र के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उस टाइम के गूगल कर लेना कौन था वो थे भी नहीं था कौन था वो बिल्कुल इज्जत दे रही नहीं है उनको उनको जब मैं पैसे मांगने गया था तो उनको मैंने बोला कि मैं एवरेस्ट क्लाइम करने जाने वाला हूं तो उन्होंने पहला सवाल क्या था पता है कहां पे एवरेस्ट इंडिया में ही है ना एवरेस्ट ये ओके चलो चलो मतलब अगर ये कोई रैंडम आदमी हो उसको ना पता हो चलो ठीक है आप समझ सकते हो अरे स्पोर्ट्स मिनिस्टर महाराष्ट्र का उसको नहीं पता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहां पे है तो ऐसे ऐसे लोगों से पाले पड़े और ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो सपोर्ट के टर्म्स में करेक्ट जिसको पता ही नहीं एवरेस्ट किस किस कंट्री में है उसको आप समझाओगे तो कैसे नॉट पॉसिबल क्लाइम कर लिया मैंने एंड ये सारे पॉलिटिशियंस मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप इंस्टाग्राम पे नीचे जाके देख लो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने मुझे इनवाइट किया उनके ऑफिस में फोटो खिंचवाए प्रेस रिलीज दिए और बड़ी बड़ी बातें की कि नेक्स्ट एक्सपेडन हो आपका तो प्लीज लेट अस नो वी वुड लाइक टू यू नो हेल्प यू एंड सपोर्ट यू मैम मेरा नेक्स्ट मैं था अन्ना <laughs> नेपाल में ये पीक है एक तो वहां पे जाने के लिए पैसे इकट्ठा करने थे वापस तो इन सारों को मैंने वापस कांटेक्ट करना स्टार्ट किया उसके पहले मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते थे कभी कभी रिप्लाई भी करते थे बड़े बड़े सब बहुत बड़े लेवल के जैसे कांटेक्ट किया पैसों के लिए गायब आज तक उन्होंने मेरी स्टोरी नहीं देखी है ऐसे भूत की तरह गायब हो गए ना तो ये रियलिटी है अपने देश की मैं ये क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप और देशों में देखो यूरोपियन कंट्रीज में देखो अमेरिकन कंट्रीज में देखो माउंटेनियरिंग एथलीट्स अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है या पोटेंशियल भी दिखा रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो उनको स्पॉन्सर सामने से करती है वो बोलती है कि बच्चा तुम्हारा ध्यान हम रखेंगे तुम तुम्हारी ट्रेनिंग पे ध्यान दो तुम तुम्हारे गेम पे ध्यान दो खर्चा जो भी है सामान देना गेयर्स देना खर्चा करना ट्रेनिंग के लिए या जो भी हो वो हम देंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं बस कंप्लेन कर रहा हूं मैं कंप्लेन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि और देशों में ये सिस्टम मैंने देखी है तो अपने देश में अभी तक तो आई नहीं है तो जब मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया तो बहुत सारे हार मालाएं मिली बहुत सारे सेल्फी खींचने वाले लोग मिले लेकिन जब सपोर्ट करने की बात आई आ, अभी इकोनॉमी डाउन है अरे सरकार का बहुत खर्चा हो गया है ये सारी बातें सुननी मिली तो अभी भी क्रिकेट और बॉलीवुड को छोड़ के किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये कड़वा सच है जिसको सुनना है अच्छा लगे ना लगे ये सच है भाई क्या करे यार ट्राई कर रहे चेंज करे इसको आल्सोर इज अम एग्जाम्पल डेज की विनेश फोगाट ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया बट जो ऑडियंस है दे ऑडियंस इज ऑल्सो सेग्रग्रेटेड मतलब वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है सम पीपल आर नॉट है जो पॉलिटिकली इतनी डिवाइड हो चुकी है hmm. वो शी, मतलब ऑडियंस अच्छा मतलब मतलब पार्ट <laughs> तो ये पार्टी के लोगों को जव, कैसे जवाब sure. देते कैसे फेस करते तो मतलब मतलब इस लेवल पे मतलब मुझे पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स आर ऑल्सोनेक्टेड और इंटरलिंक्ड डेज मुझे तो ऐसा लगता है नहीं, 100 पॉलिटिशियंस मतलब क्या गवर्नमेंट जो देश चलाते हैं तो उनको तो इंटरेस्ट लेना ही चाहिए लेकिन क्रिकेट और और एक दो स्पोर्ट्स के अलावा भी और क्या हो रहा है बिकॉज़ जितनी मेहनत मैंने की थी एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए किसी विराट कोहली या सचिन से कम मेहनत नहीं की थी है ना फिर भी बिकॉज दे आर इन क्रिकेट दे आर समवेयर एंड बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड आई एम समेयर एल्स तो ये जो गैप है वो थोड़ा सा अगर कम हो पाए उसी की हम को हम कोशिश कर ही रहे ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ऐसा भी कुछ होता है लोग एक बार फॉलो करना शुरू करेंगे तो चीज़ें अपने आप बेटर होगी अगर मैं माउंटेनियरिंग की बात करूं आपकी फील्ड में जैसे कुछ होते हैं लोग जो मतलब ऑलरेडी फेमस हो जाते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की वजह से कौन तो दे जैसे, देवेल मतलब, जैसे, मैंने एक पॉडकास्ट देखा अर्जुन वाजपेयी आई डों तो उन्होंने उस पॉडकास्ट में देल यू द रियलिटी

ट्रैकिंग करते हैं रॉक क्लाइंबिंग और बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वाल्व है जिसकी वजह से चीजें कमर्शलाइज हो चुकी हैं और वट डू थिंक अबाउट द कमर्शलाइजेशन ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड हाईस्ट पीक जैसे आपने एवरेस्ट की बात की डू डू यू यू थिंक थिंक कि इट इट अफेक्ट विल अफेक्ट योर माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस क्योंकि ये कमर्शलाइज हो चुकी हैं चीजें इसका कुछ असर होता है सी हैज हैज ऑलवेज टू साइड्स एक साइड है अच्छा एक साइड है बुरा अच्छे की बात करें मेरे आंखों में देर आर मोर बेनिफिट टू कमर्शलाइजेशन देन नेगेटिव वेरी सिंपल ये सारी बड़ी बड़ी बातें छोड़ो माई लाइफ चेंज्ड बिकॉज माउंटेन्स केम इन माई लाइफ वॉट आई थिंक हाउ मेनी किड्स आर देयर हुज लाइफ इज वेटिंग टू बी चेंज बाय माउंटेन्स है ना तो अगर मैं पहाड़ क्लाइम करके उसके बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा हूं तो और लोग क्यों ना करें इतनी खूबसूरत जगह है इस दुनिया में जो आप पहाड़ क्लाइम करके देख सकते हो अनुभव कर सकते हो उससे सीख सकते हो तो कमर्शलाइजेशन से क्या होता है कि लोगों को ट्रैकिंग करने में इंटरेस्ट आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैक्स लीड करता हूँ मेरी कंपनी है फिनिक्स एक्सपीरियंसिस उसके थ्रू तो एवरी वीक मेरे ग्रुप में थर्टी टू फोर्टी परसेंट लोग फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स होते हैं यार ये देख के अच्छा लगता है मुझे कि लोगों को क्लब्स में जाना मूवी देखना रेस्टोरेंट्स में जाना कैफे में जाना ये करना दारू पीना उससे बढ़कर भी कुछ वीकेंड पे करने के लिए दिख रहा है तो ये क्यों हुआ बिकॉज इंटरनेट बिकॉज ये चीज कमर्शल हो रही है अवेयरनेस फैल रही है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है पहाड़ मेरे बाप का है नहीं ना ही किसी के बाप का है सबका है सबका है तो सब ने जाना है सब ने एक्सपीरियंस करना है ये मैं मानता हूं लेकिन दिक्कत कहाँ आती है अभी अभी लेकिन, बट हर चीज में बट होता ही है लेकिन जब इतने सारे लोग जाते हैं लोगों को खास करके हमारे देश में ये मैं कहने में शर्माता नहीं हूं ना ही डरता हूं इंडियंस आर द मोस्ट इसिबल टूरिस्ट इंडियंस आर द मोस्ट इसिबल ट्रेकर्स एंड इंडियंस आर द मोस्ट इसिबल माउंटेनियर्स उससे भी आगे जाके मैं एक चीज कहूंगा इंडियंस आर द मोस्ट इर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मैं क्यों कह रहा हूं वी आर टू सेल्फिश मेरा 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 जब तक मैं ठीक हूं तब तक मुझे किसी के बाप का कर्जा नहीं देना मुझे कोई पड़ी नहीं है मैं एक लीटर का बॉटल पहाड़ों में भरा हुआ बॉटल ऊपर लेके जाने को तैयार हूं लेकिन जब खाली हो जाए तब उसको नीचे लेके आने में मेरी जान पे आती है तो मैं वहीं फेंक देता हूं पार्ले जी का बिस्किट भरा हुआ ऊपर लेके जाते हैं हम पहाड़ों पे लोग जैसे खा लिया फेंक देते ये क्या है इररेस्पोंसिबल बिहेवियर ये क्या है सेल्फिश बिहेवियर तो कमर्शियलाइजेशन इज नॉट बैड पीपल इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पोंसिबल नहीं है आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं पहाड़ों में तो जाना सबका हक है यार सबको जाना चाहिए लेकिन लोगों को इंडियंस को लोग छोड़ो इंडियंस को रिस्पोंसिबली एंजॉय करना नहीं आता है जैसे आज सुबह मैं जिस ट्रैक पे गया था एकदम इतना खूबसूरत ट्रैक था वो लेकिन टॉप पे पहुंच के पूरा कूड़ा कर रखा है वहां पे लोग ब्रेक लेते होंगे बैठते होंगे तो पानी खाना सुट्टा विमल ये वो सब निकालते हैं लोग तुमको जो करना है करो जो खाना है खाओ जो फूंकना है फूको जो करना है करो बट यार वेरी सिंपल फर्स्ट थिंग अपना कचरा अपने साथ तो लेके आओ मैं नहीं बोल रहा हूं कि तू किसी और का झूठा कचरा उठा नहीं अपना लेके जा नीचे यार वो भी नहीं करना है लोगों को तो जब तक लोग इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो गए तब तक कोई भी चीज अगर कमर्शलाइज होगी ना तो उसका सत्या हो जाएगा आप समझ रहे हो तो देख बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग दैट इंडियंस लैक दुनिया का सिटीजन का छोड़ो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है उनके पहाड़ों में गया हूं मैं वो जिस तरह से अपने देश का ध्यान रखते हैं मुझे तो शर्म आती है अपने आप को इंडियन कहना वो हमको देखते हैं जैसे मैं यूरोप गया था वो हमको इंडियंस मतलब गंदे लोग डर्टी पीपल दैट्स देयर परसेप्शन और आपको लगता है मुझे ये सुन के अच्छा लगता है अरे चुपता यार इधर इट हर्ट्स मी बट दैट्स द रियलिटी और ये हमने ये रेपूटेशन अर्न किया है कि हम कहीं भी जाके थूकते हैं हम कहीं भी जाके कचरा फेंकते हैं पहाड़ हो या ट्रेन हो या कहीं भी हो तो जब ऐसा सीन है तब कमर्शलाइजेशन से नुकसान थोड़ा ज्यादा है बेनिफिट से तो जब तक इंडिविजुअल लेवल पे छोड़ो देश क्या कर रहा है आप जो पहाड़ों में जाओगे जो भी देख रहा है इधर किसी का कचरा मत उठाओ अपना लेके आओ वहीं से शुरुआत होगी एक रिस्पॉन्सिबल वे ऑफ एंजॉइंग द माउंटेन्स और कुछ नहीं करो किसी का कचरा मत उठाओ अपना कचरा वापस लेके आओ जब ये एक स्टेप लोगे तब आपको समझ में आएगा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना क्या होता है और जब ऐसे हो जाएंगे तब कमर्शलाइजेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम जैसे आप अगर आप यूरोप में जाओगे पूरे साल हार्ड बुक होते हैं लोग नॉन स्टॉप लेकिन आप वहाँ पे गंदगी नहीं देखोगे कचरा नहीं देखोगे इनडिसिप्लिन बिहेवियर जैसे चिल्लाना लाउड स्पीकर में गाने बजाने किसी के मुंह पे सुट्टा फूकना ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं करते लोग कमर्शियल वहाँ भी हो गया है लेकिन रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करते हैं वो लोग ये बहुत ही मैंने एकदम ब्लंटली और एकदम <laughs> लोगों को बहुत चोट पहुंच सकती है ये चीज़ें बोल सुन के लेकिन आई डोंट गिव अ या, yeah. ओके <laughs> okay, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, now I now know about your experiences, जब जब आपने आपने 2021 में mm. जब आपने उस किया था mm. जो मुझे आप मुझे लगा कि यू आर कैरिंग द सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन आई थॉट फर्स्ट आई थॉट बट फिर मैंने आपके लिंक प्रोफाइल देखा दैट यू डिडेंट कैरी दप्लीमेंट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन तो मुझे कि मतलब वो चीज कैसे हो सकती है मतलब

तो वो व्यक्ति कैसे कर सकते है। तो मुझे जानना है इस चीज के बारे में <laughs> देखो ये या तो जब मैं एवरेस्ट पे था 2019 में और जब मैंने ऑक्सीजन यूज करना स्टार्ट किया तब सडनली एकदम इजी हो गया मैं ये सोच रहा हूं कि अचानक से इतना इजी हो गया आई फेल्ट चीटिंग बाहर का एनवायरमेंट मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूं मैं अपना ही कुछ बबल में जी रहा हूं तो कहीं ना कहीं एथिकली वो रॉन्ग लगा मुझे दूसरी बात जो आप बोल रहे हो कि जैसे एक जो फिटनेस का परसेप्शन है ना लोगों के दिमाग में कि एक फिट बंदा मतलब मसल वाला और ये वो नॉट अ फिट पर्सन बहुत सारे जिम ट्रेनर्स को मैं ट्रैक पे ले जाता हूं सबसे पहले थकने वाले लोग वो है झूठ भी नहीं बोल रहा हूं मैं कसम से तो फिटनेस जो दिखता है ना वर्सेस जो आदमी अंदर है फिजिकली एंड मेंटली वो आप देख नहीं सकते तो मैंने जब एवरेस्ट पे था मैं तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो भी मेरा नेक्स्ट 8,000 मीटर पीक होगा वो मैं विदाउट सप्लीमेंटरी ऑक्सीजन ही क्लाइम करूँगा अगर मैं नहीं क्लाइम कर पाता हूँ तो नहीं करूँगा लेकिन ऑक्सीजन यूज नहीं करूँगा एथिकल रीजन की वजह से कि नहीं ये चीटिंग है आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द रियल एनवायरमेंट जो आसपास एक्चुअल है अगर मैं कहता हूं कि मैंने 8000 मीटर की चोटी चढ़ी है तो 8000 मीटर कि हवा कैसे होती है मुझे तो पता ही नहीं होगा अगर मैं ऑक्सीजन पे बैठा हूं तो तो बेसिकली मैंने 8000 मीटर की चोटी नहीं चढ़ी है अगर मैं ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं तो बहुत सिंपल बात है ये दो साल एवरेस्ट के बाद मैंने तैयारी की और किस फिटनेस लेवल पे मैं पहुंचा वो सिर्फ मैं ही जानता हूं अन्नपूर्णा पे जब गए हम तब समिट पुश के लिए हम जा रहे थे तब uh, डायरिया एंड वॉमिटिंग हो गया मुझे बहुत गंदा तो उसके वजह से बॉडी वीक पड़ गई और उसके वजह से फिर uh, uh, समिट के कुछ घंटे पहले से आई हैड टू टर्न अराउंड सो लेकिन आई रीच अराउंड सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड मीटर्स विदाउट ऑक्सीजन जो कि बहुत ही ऊंची हाइट होती है टू रीच विदाउट ऑक्सीजन बट माउंटेन्स में जैसे मैंने कहा आपको इतने सालों से मैंने इतने सारे लोगों को मरते हुए देखा है एक्सीडेंट्स देखे हैं एक चीज तो मेरे माइंड में बहुत ही क्लियर थी कि पहाड़ चढ़ते हुए मरना इट्स नॉट वर्थ इट तो जहां भी मुझे लगा कि जितना हो सकता था पुश उतना किया अब और पुश करूँगा तो शायद घर वापसी नहीं होगी तो वहां से हम वापस आ गए तो ये था ओके तो okay, so मतलब कहना गलत होगा तो देर आर मेरी थ्योरीज अबाउट माउंट कैलाश कैलाश पर्वत को लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं इंटरनेट पे तो मतलब आई नो कि वट इज द रियल ट्रूथ मतलब वहां पे ऐसा क्या है मतलब आपने जितना पढ़ा बिकॉज यू आर प्रोफेशनल माउंटेनियर तो ऐसा तो है नहीं कि आपने उस चीज के बारे में स्टडी नहीं किया होगा तो मुझे जानने की रियल पर क्या? <laughs> तो मुझे तब मालूम पड़ेगा जब मैं वहां आपके अनुभव में नहीं आती तब तक उसके बारे में कुछ बोलना मैं मानता हूं कि वो झूठ बोलने बराबर है अगर आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है और जो आपने पढ़ी पढ़ाई ज्ञान जो है वो आप लोगों के सामने बोल रहे हो वो थोड़ी बेमानी वाली बात है लेकिन मैं उतना अनुभव से जानता हूँ अनुभव से जब मेरे गुरु कहते हैं कि कैलाश से बढ़कर और कोई पावरफुल स्पिरिचुअल प्लेस उतनी पावरफुल दुनिया में नहीं है तो वो मैं अनुभव से जानता हूँ बिकॉज मैं वहाँ पे फिजिकली गया नहीं हूँ लेकिन अनुभव से मैंने कैलाश को एक्सपीरियंस किया है तो एक स्पिरिचुअल रियलिटी होती है और एक फिजिकल रियलिटी होती है फिजिकली अगर मैं उस पहाड़ को देखू एज अ माउंटेनियर प्योर टेक्निकली एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली तो उसको क्लाइम करना इतना मुश्किल नहीं होगा लेकिन बिकॉज इट्स द सेंटर ऑफ फाइव डिफरेंट रिलीजन्स बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीफ उसको क्लाइम करना मना है तो किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा कर क्लाइंब करना ये पाप है तो अटैम्प्ट हुए थे बहुत सालों पहले फॉर वट एवर रीजन दे डेंट सक्सीड बाकी कहानियां तो बहुत है यार कहानियां तो जैसे मैंने सुनी है कि जैसे आप कैलाश के पास जाते हो आपकी एज बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ती है तो लोग कुछ 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 कुछ, कुछ, कुछ लोग कहते हैं कि कैलाश के बीच में का वास है स्पेसशिप उतरती है ये है वो है कहानिया तो बहुत है लेकिन जाएगी एक बार वहां पे फिजिकली जब चाइना परमिशन देगा अनफॉर्चुनेटली को परमिशन नहीं मिल रही है ये रियलिटी है जिसके बारे में बात करनी जरूरी है कुछ बेवकूफ पॉलिटिशियंस बैठ के डिसीशंस ले रहे है ईगो वॉर्स खेल रहे है ना उसके वजह से जो इतने हजारों लाखों भक्त है इंडिया में जो जिनका लाइफ का बस एक ही गोल है कैलाश जाना मेरे जैसे लोग फॉर एग्जाम्पल वो जा नहीं पा रहे तो ये है सच कैलाश का तो बाकी सच वहां जाओ अनुभव करो जो अनुभव किया वो आपका सच <laughs> <laughs> तो आई वो कि ड्यूरिंग एनी एक्सपेडिशन आपने कभी वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स जो होते हैं जो खतरनाक वाले जैसे भालू हो गया या स्नेक्स हो गए स्पेशली ग्रीन कलर के जो स्नेक्स होते हैं आपने कभी वो चीज कभी एनकाउंटर की है

ट्रैक है एक फोर्ट है एक किला है तो वहां पे मैं ग्रुप लेके गया था एक एंड को कैंप फायर वगैरह पे बैठे थे खाना वाना खाया और फिर ग्रुप अपने अपने टेंट्स में सोने गए मैं भी अपने टेंट में सोने गया एंड रात को अराउंड वन वन थर्टी का टाइम था गांव वाला आता है मुझे उठाता है बोलता है पार्थ मेरा मेरा खास दोस्त है वो भास्कर नाम है उसका बोलता है पार्थ मैं रैबिट हंट करने जा रहा हो रैबिट का शिकार करने जा रहा हो आना है ते को अरे बोला यार कुछ नया देखेंगे कुछ नया लोग कुछ कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं कि अरे हंट करना मैं नहीं देख सकता मैं तो नाजुक सी कली हूँ नहीं, 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 नहीं मारने जाएगा क्यों नहीं यार इट्स इट्स ऑफ लाइफ तो हम गए जंगल में उसको ट्रेल्स पता थी जहां पे यूजुअली लोग लोग नहीं रैबिट्स आते जाते हैं तो पूरा घरा अंधेरा और जनवरी की ठंडी रात फुल एकदम मतलब कड़ाहट कड़ा वाली ठंड तो चल रहे थे रात को और एक जगह पे आके उसने बोला कि चलो शायद यहाँ पे रैबिट्स आते जाते हैं ये ट्रेल जैसा लग रहा है उनका तो यहाँ पे एक ट्रैप एक फंदा एक ट्रैप सेट करते Hopefully कुछ आए उसमें, तो उसने प्रॉपर वो तार तार, वार के रस्सी उसके साथ प्रॉपर उसने एक ट्रैप सेट किया एंड हम लोग एक झाड़ था थोड़ा बीस फीट दूर उस ट्रैप से वो ट्रैप के पीछे वो झाड़ के पीछे जाके हम बैठ गए वहां पे ठीक है तो बैठे है ठंड लग रही है बिकॉज आप वॉक कर रहे हो तब तक ठीक है बट अब एक बार आप बैठ गए ठंड लगनी शुरू तो बैठे थे वहां पे ना कोई भरोसा नहीं रैबिट आए तो पांच सेकंड में पांच मिनट में आएगा नहीं तो पांच घंटे भी लग सकते हैं नहीं तो नहीं भी हो सकता है तो बैठना था बस थोड़ी देर हम लोग हमने प्लान किया कि विल सिट फॉर टाइम एंड देखते फिर अराउंड बीस मिनट बाद वो ट्रैप में कुछ फंसने का आवाज आया मुझे हम लोगों को एंड हमने ट्रैप की तरफ देखा कुछ दिखा नहीं अंधेरा था घना अंधेरा फॉरेस्ट के अंदर घना अंधेरा होता है रात को और टॉर्च मार के आप देख नहीं सकते टॉर्च मारना नहीं आपने अभी रात को अचानक से वो ट्रैप टूटने का आवाज आया फिर जैसे वो ट्रैप पूरा अग्रेसिवली तोड़ा है किसी ने ए, सोच रहा हूँ भाई रैबिट तो ये ट्रैप नहीं तोड़ सकता तो ये हमको लगा कि वाइल्ड पेग या डियर या कुत्ता उत्ता कुछ फंसा होगा अभी वो ट्रैप पे जो तार थे ना कुछ कुछ ये वो उसके पैर में फंस गए थे और वो जमीन पे पत्तों पे उसका रगड़ने का आवाज आ रहा था मुझे ओके वो प्राणी के पैर में फंसा है और वो तार जो थे हुक्स वो जमीन पर रब हो रहे थे और वो आवाज हमारी तरफ आ रही थी है बोला यार क्या है थोड़ा अलर्ट हुआ हम दोनों साथ में बैठे थे तो थोड़ा वो पास में आया एनिमल तब उसका फिगर एक आउटलाइन दिखने लगा तो मैंने बोला कुत्ता तो नहीं है भाई अगर ये कुत्ता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता है फिर <laughs> लेकिन वो हमारे पास आया, पास आया आया एंड में जैसा आया, उसने टर्न मार के ऐसी मुंडी घुमाई उसकी मेरी तरफ और उसकी ग्रीन आंखें दिखी मुझे और मेरे दोस्त को गांव वाले को उसने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे वो बोलता है चुप बैठ मैंने बोला मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं भाई क्या हुआ <laughs> बोल रहा है सास भी बिल्कुल हिलना नहीं मेरी फटी उसने बोला लेपड़ है लेपड़ है मैं बोला मर गये। मर गए ना ही कोई हथियार है एक होता है ना जब जू में जाते हो ना तब लेपड़ देखते हो पिंजरे में ओ लू 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 लेपड़ू लेपड़ ना वो लेपर्ड नहीं है वो लेपर्ड नहीं, नहीं है आपने लेपर्ड तब तक नहीं देखा है जब तक जंगल में आंखों से आंखें डाल के जब आप लाचार हो आपके पास कोई हथियार नहीं है और आप उसको भाग नहीं सकते आप उसके मर्सी पे हो उसके हाथ में आपकी जिंदगी की डोर है आप कि आपको मारना है या छोड़ना है जब ये मालूम पड़ा कि अब मैं ना ही भाग सकता हूं बिकॉज ये तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट एनिमल है ना ही मैं लड़ सकता हूं क्योंकि इससे कौन फाइट कर सकता है इसे अब गए जब ये रियलाइज हुआ कि दिस कैन बी द द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ लाइफ एंड एंडिंग वुड बी बहुत गंदी तरीके से मौत होगी मेरी मैं ये सोच के एकदम मेरी हालत खराब हो गई दिमाग मेंटली एंड फॉर आई थिंक फोर्टी फाइव सेकेंड्स उसने हमारी तरफ देखा आंखों से आंखें मिलाकर The, those forty-five minutes felt like wow, forty-five lifetimes. And for some reason he turned away and elegantly Aram se walker And Leopard ka hai. if you don't make him feel scared or you know the need to defend himself, he will not attack you. So, हमने एकदम दूरी दूरी दु, तो नहीं बट एकदम शांत रहे और उसको ये संदेशा दिया कि वी आर नॉट हियर टू हार्म यू आप अपनी जिंदगी जियो हमें जीने दो प्लीज एंड <laughs> मैं जब वो लेपर्ट गया हम लोग भाग के कैंप साइड गए एंड कैंप साइड पहुँचने के बाद उस डर के वजह से मुझे बुखार आ गया यार रात को डर क्या होता है ना मतलब ये लोग नहीं जानते लोग नहीं समझते वो छोटी छोटी चीज को डर मानते हैं कि अरे मेरा ये पैसा नहीं है मेरे पास क्या होगा वाइफ छोड़ के चली गई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई ये चीजों को डर मानते हैं लेकिन जब जिंदगी और मौत जब किसी ने बंदूक रखी आपके सर पे या आपके सामने लेपड़ है असली डर क्या होता है ना भाई में उस दिन लाइफ में पहली और आखिरी बार मैंने ऐसा डर एक्सपीरियंस किया है एंड मेरे को वाला बोलता है मुझे तभी कि अरे हम लोग बहुत लकी है मैंने जो गाली दी है उसको मैंने जो गाली दी है माँ बहन की कॉम्बिनेशन में लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इट वॉज रियली अ लकी थिंग कि मैंने ये चीज़ देखी एंड आई सर्वाइव्ड टू टेल दैट स्टोरी स uh, तो, नहीं, नहीं, तो रहे नहीं है लेकिन एवरेस्ट वैली में जैसे एवरेस्ट रीजन में घुमझुम करके एक गाँव है वहाँ पे एक म्यूजियम है तो वहाँ पे फिजिकल एविडेंसेस रखे है ये टी के प्रेजेंस के तो मेरा अनुभव तो है नहीं तो ये बहुत सारे और पॉडकास्ट में रणवीर वनवीर वो लोग ये, ये, ये बारे में पूछते रहते गुड फ्रेंड ऑफ माई हम लोग भी हम लोग भी बात करते हैं इसके बारे में मैं बोलता हूँ यार तू <laughs> तो, तो है मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है देर इज टू इट और उसके फिजिकल एविडेंसेस भी है मैंने अपनी आंखों से देखे है बट मैंने अनुभव नहीं किया बट मैं जरूर मानता हूँ कि नॉट जस्ट यती ऐसे बहुत सारे और हिमालयस में जरूर बसते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा स्विच करना चाहूंगा आ, मैं चाहता हूँ कि आप गियर और इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमको दे दें कि वो किस तरीके से चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रैक और आप कहाँ जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है तो आप किससे आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपको कौन से गियर्स साथ पे लेके जाना है कौन से सेफ्टी से अह एक, कौन सा से सेफ्टी से इक्विपमेंट आपको साथ में लेके जाना है बिल्कुल यार गियर्स हमारे माउंटेनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिकॉज़ बाहर का जो हार्श एनवायरनमेंट है उससे गियर से प्रोटेक्ट करते हैं तो हम लोग कभी गियर्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो अगर डे ट्रैक हो तो उसके अलग गियर्स होते हैं अगर मल्टीपल डे ट्रैक कर रहे हो तो उसमें एक्स्ट्रा गेयर्स ले जाओगे जैसे कैंपिंग का सामान सोने का सामान खाने पीने का सामान ऊंचे पहाड़ पे जा रहे हो तो गर्म कपड़े बेटर शूज अगर और ऊंचे पहाड़ क्लाइम कर रहे हो तो और बेटर शूज और बेटर जैकेट्स और वार्म क्लोथ्स तो कहाँ पे जा रहे हैं किस हाइट तक जा रहे हैं उस पहाड़ की टेक्निकल डिफिकल्टीज क्या है तो उसके हिसाब से क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं फॉर एग्जांपल आपको एवरेस्ट की बात बताओ तो तीन चार इक्विपमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे एक हो गया बूट्स हमारे तो वो तीन लेयर के बूट्स होते हैं जो माइनस फोर्टी डिग्री में भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं उसके अलावा हो गया एक डाउन सूट जो सर से लेके पैर तक वन पीस सूट है जो माइनस फोर्टी माइनस फिफ्टी डिग्री टेम्परेचर कंडीशन तक हमें प्रोटेक्ट करती है माइनस फोर्टी डिग्री की स्लीपिंग बैग हो गई जब आप सो रहे हो रात को हाई ऑल्टीट्यूड पे तो आपको एक अच्छा स्लीपिंग बैग चाहिए फिर हार्नेस सेट हो गया जिसमें आप यू नो हार्नेस जो आप पहनते हो आ, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं आइस एक्स हो गया वो कुल्हाड़ी जो होती है जिससे क्लाइंबिंग करते बूट्स के नीचे हम क्रैम्पॉन्स पहनते हैं जो स्पाइक्स होते काटे वाले जिससे बर्फ में ग्रिप मिले तो इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है और सही इक्विपमेंट्स बहुत महंगे भी हैं जैसे एवरेस्ट का सारा मेरा जो किट था उसको मैं अगर गिनूँ तो पाँच से सात लाख रुपए का किट था वो पूरा तो लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते तो यहीं पे गड़बड़ होती है फिर तो इक्विपमेंट्स पे तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए हर पहाड़ के लिए हर ट्रैक के लिए अलग अलग चीज़ें होती है जो आप कैरी करोगे वो तो बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ है कि पहाड़ कैसा है क्या डिफिकल्टीज है क्या टेम्परेचर है, है कौन से साल साल के कौन से महीने में जा रहे हो उसके ऊपर से सारा वो डिपेंड करता है फिर आई वं नो की हाउ मच वेट डू यू कैरी मतलब आप कितना चाहता हूँ बीस से पच्चीस किलो होता है ऑन एन एवरेज ऑन दीज बिग माउंटेन्स अगर अल्पाइन स्टाइल कर रहे हो जैसे बहुत सारे एक्सपीडेशन मैंने भी अल्पाइन स्टाइल किए हैं जिसमें कोई खच्चर कोई पोटर कोई याक्स आपका सामान नहीं उठा रहा है तो उसमें आपके पास 35 किलो तक का भी सामान हमने उठाया हुआ है तो लेकिन जिसमें सपोर्ट होता है उसमें 20 के जी मिनिमम हो ही जाता है और मैं चाहता हूं कि जो भी लोग ट्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप उनको थोड़ा सा बता दें कि वो कैसे ट्रैक अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करें ताकि वो थोड़ा सेफ्टी के साथ भी काम करें तो एब्सोल्युटली यार देखो जो आप ट्रैक ऑर्गेनाइजर के साथ जा रहे हो मेक श्योर की वो लीडर्स जो आपको लेके जाएंगे वो एक्सपीरियंस्ड हो क्वालिफाइड हो उन्होंने कोर्सेस कर रखे हो पहले ट्रैक्स लीड किए हो फर्स्ट एड का नॉलेज हो उनको एंड यू नो कुछ चंद पैसे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में मत डालो गलत लोगों के साथ जाके ये सबसे पहली चीज है उसके अलावा अगर किसी को माउंटेनियरिंग करना है तो बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्सेस गूगल करो क्या है और साइन अप करो और करके आओ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी है ना इसके बाद आपको अपने रास्ते खुद मिल जाएंगे लेकिन एक ओवरऑल मैसेज जरूर दूंगा देर इज नो शॉर्टकट टू द टॉप अगर आपको ऊंचाइयों तक तो पहुँचना है यू हैव टू गो थ्रू द राइट ट्रेनिंग

यार ये जो नाइन डे माउंटेनियरिंग कोर्स है इट इज डिजाइन फॉर पीपल हु वांट टू लर्न टू क्लाइंब माउंटेन्स बट देव ट्वेंटी ट्रेडिशनल इन इंडिया 28 दिन बहुत होता है और मैंने ये कोर्सेज किए हैं एंड उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि इसमें जो स्किल्स सिखाए जा रहे हैं वो स्किल्स इन अ फोकस्ड वे आठ से नौ दिन में सिखाए जा सकते हैं क्यों क्योंकि आप जब माउंटेनियरिंग कोर्स में जा रहे हो तो वहां पे सौ लोग है सीखने के लिए तो जो चीज आपको एक दिन में सिखाई जा सकती है वो चीज सीखने में आपको दस दिन लग रहे हैं तो ये चीज मैंने अपने अनुभव से एक्सपीरियंस की है तो कम लोग को लेके जाओ फोकस्ड वन टू वन अटेंशन देके स्किल्स सिखाओ तो जिनके पास समय कम है उनको वही सेम स्किल्स जो हम उन कोर्सेज में सीखते हैं वो कम टाइम में सिखाकर आगे ले जाना नेक्स्ट स्टेप पे पॉसिबल है एंड ये जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है जैसे मैंने पहले कहा था आपको सिर्फ ए बी सी डी सीख के कुछ नहीं होता अगर आपको कुछ सिखाया है तो उसको जब तक अप्लाई नहीं करते तो जो सिखाया है वो क्या है वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कोर्स तो के एंड में एक प्रॉपर माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन पे टेक्निकल पीक पे आपको लेके जाएंगे फुल सेफ्टी और के साथ जहां पे जो भी आपको सिखाया है वो आप खुद रियल टाइम अप्लाई करोगे कि ओके okay, मैंने ये सीखा था ओके okay, इसका रियल यूज लाइफ में ये है पहाड़ों में ये है तो जब तक ये रियलाइज नहीं करोगे जब तक ये एप्लीकेशन नहीं करोगे सिर्फ कोर्स टू डेज इट्स फॉर रियल टाइम एक्सपेक्टेशन जो मैं खुद लीड करूंगा और वहां पर जो सीखा है लोगों को अप्लाई करवाऊंगा ताकि उनका जो नॉलेज है वो एकदम प्रॉपर हो जाए सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग दिस कोर्स तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं आप उनको कुछ कहना चाहोगे यार गए एक घंटे से कह रहा हूँ लोग बोर हो गए होंगे शायद यहाँ तक सुन रहे हो तो नहीं बट एक ही चीज है यार है ना कि एवरीबॉडी हैज एवरेस्ट इन देयर लाइफ टू क्लाइम मेरे लाइफ में वो रियल एवरेस्ट था किसी के लाइफ में वो एक किसी बड़ी एग्जाम क्लियर करना हो सकता है किसी के लाइफ में वो पैसा कमाना हो सकता है किसी के लाइफ में दस बच्चे पैदा करना हो सकता है किसी के लाइफ में कुछ भी हो कोई सही गलत नहीं है लेकिन आपके दिल से जो आ रहा है वही आपका एवरेस्ट है फाइंड इट द कमिटमेंट टू ब्लडी टेक एक्शंस करके दिखाना है बग 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 नहीं करना है कि अरे मेरा ये सपना है मुझे बुगाटी खरीदनी है मुझे लंबोर्गी नहीं खरीदनी अरे सबको खरीदनी है लेकिन तूने क्या किया जिससे तुझे वो खरीदने का पैसा आएगा तेरे पास कुछ नहीं तो फाइंड योर एवरेस्ट एंड टेक एक्शन टू क्लाइम दैट एवरेस्ट खत्म बस इतना ही अगर इतना लोग करे तो एवरीबडी विल लिव अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ थैंक यू सर फॉर कमिंग द पॉडकास्ट आपसे बात करके काफ़ी मज़ा आया उम्मीद है सर आपको भी आया होगा यस yes, मोहित बहुत मज़ा आया आपसे बात करके बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूँ मैं उसमें बहुत लोग इंटरप्ट करते हैं जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ तो आपने सुना अच्छे से एंड लोगों तक बात इस बात को पहुँचा रहे हो आप एंड वेरी ग्रेटफुल दैट यू इनवाइटेड मी टू स्पीक टू यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी इन टच